हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैक टू डॉट। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपका आईफोन आपके बीजीएमआई के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, या आप कोई भी अदर गेमिंग करना चाहते हैं, गेमिंग चैनल खोलना चाहते हैं, या बीजीएमआई पबजी में प्रो प्लेयर बनना चाहते हैं, तो क्यों आपके लिए आईफोन आईपैड से बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी खास बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके आईपैड या आईफोन लेने में काफ़ी मदद करेगी, अगर आप बीजीएमआई या पबजी के लिए आईफोन या आईपैड लेने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना गाइस, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह आईओएस के टिक्स एंड ट्रिप्स हिंदी में लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि कंफर्टेबिलिटी। अगर आप आकर एक आईफोन में होल्ड करके पकड़ के अगर पबजी खेलते हैं, बीजीएमआई खेलते हैं, तो काफ़ी इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको खास दिक्कत नहीं आएगी। आप लंबे समय तक भी बीजीएमआई या पबजी जो भी अदर गेम खेलना चाहते हैं वो इजीली बिना किसी पेन के हाथों में आप सिंपली खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वही अगर हम आईपैड की बात करें गाइस, तो सबसे पहले तो आप इसको एक हाथ से तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, सिंपली आपको दो हाथ अपने पूरे यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरा आईपैड आपका कंट्रोल होगा। और गाइस, आईपैड काफ़ी हेवी होने के कारण आप इसे ज़्यादा देर तक पकड़ कर नहीं खेल पाएंगे पबजी, आपके हाथ पेन करने लग जाएंगे, आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी हेवी वेट का आईपैड आता है। उसी के मुकाबले अगर आईफोन में अगर आप पबजी खेलते हैं तो आप कितनी भी देर तक पबजी खेल पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, आपको ज़्यादा इसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको इसमें आएगी नहीं, आईफोन में आप इजीली कंफर्टेबली पकड़ने आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईफोन में इजीली आप होल्ड करके गेम को खेल सकते हैं बहुत लंबे समय तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी बैठ कर लेट कर सो कर या कहीं भी आप इसको इजीली प्ले कर सकते हैं गेम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबकि गाइस, आईपैड में आप इतना इजीली कंफर्टेबली नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आईपैड में बीजीएमआई खेलना है तो सिंपली किसी चेयर पर बैठ कर ही आपको खेलना पड़ेगा, लेट कर सो कर आप इसको नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही टिपिकल हो जाता है गाइस इस तरीके से खेलना, जैसा कि हम आईफोन में खेल पाते हैं किसी भी जगह पे, ऐसा हम आईपैड में नहीं कर सकते हैं गाइस। दूसरा सबसे मेन टॉपिक है जायरोस्कोप। अगर आप बीजीएमआई प्लेयर हैं तो आपको जायरोस्कोप के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि कोई भी प्रो प्लेयर बिना जायरोस्कोप के नहीं खेल सकता है। और जायरोस्कोप अगर हैंडल करने की हम बात करें तो गाइस, वो आईफोन से बेस्ट जायरोस्कोप आप किसी भी अदर डिवाइस में हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट जायरो सेंसिटिविटी सेट होती है, और ईजिली आप अपने आईफोन के सिंपली जायरोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, और बिना जायरोस्कोप के आप पबजी गाइस नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि अगर आपको एक प्रो प्लेयर बनना है, एक अच्छा प्लेयर बनना है, अगर अच्छा बीजीएमआई आपको खेलना है, तो सिंपली आपको जायरो का यूज़ करना ही होगा गाइस, क्योंकि बिना जायरो के आप अच्छा पबजी शायद ही खेल पाएंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बिना जायरो के भी खेल लेते हैं, लेकिन गाइस उनका गेम प्ले इतना अच्छा नहीं हो पाता, आपको जायरो ऑन करना ही पड़ेगा गाइस अच्छा बीजीएमआई खेलने के लिए। और आईफोन में जायरो बहुत ही शानदार कंट्रोल होता है गाइस। वही अगर हम आईपैड में जायरोस्कोप की बात करें तो आप एक तरह से तो आईपैड में जायरोस्कोप को बिल्कुल भूल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होने वाला है आपको जायरोस्कोप को यूज़ करना, क्योंकि एक तो इतना बड़ा डिवाइस है और दोनों हाथों से आपको इसको पकड़ना है और ये इस तरीके से मूव करना है, तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है गाइस। बहुत सी बार इसके आप इसको स्लिप होकर गिरा भी सकते हैं, तो बहुत ही रिस्की है इसमें, आप ज़्यादा ज़्यादा स्कोप वाला जायरोस्कोप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर स्क्रीन मूविंग की बात करें तो आप इसमें जायरोस्कोप यूज़ करना भूल ही जाइए, क्योंकि आईफोन में तो हम सिंपली मोबाइल को इतना सा करके पूरे स्क्रीन को मूव कर सकते हैं, लेकिन आईपैड में ये थोड़ा मुश्किल है गाइस, पॉसिबल नहीं है, तो आपको सिंपली फोर फिंगर्स के साथ ही इसको ऐसे इस तरीके से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही टिपिकल हो जाता है गाइस अगर अचानक एनिमी आपके सामने आ जाए। जायरोस्कोप प्लेयर्स के लिए तो आईफोन ही बेस्ट रहेगा, आईपैड में आप जायरोस्कोप यूज़ नहीं कर पाएंगे, अगर आप कर भी लेते हैं फिर भी इतना अच्छा आप जायरो उसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे, इतना क्विकली यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको बिना जायरो या नॉन जायरो के ही खेलना पड़ेगा अपने बीजीएमआई को आईपैड में, जो कि बहुत ही टिपिकल टास्क है गाइस। बीजीएमआई जो है जायरोस्कोप के साथ ही बेस्ट खेलने आता है। थर्ड टॉपिक हमारा है कंट्रोल्स। अगर हम कंट्रोल्स की बात करें तो गाइस, आप अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल से आईफोन में शिफ्ट होंगे तो आप बिल्कुल ईजिली एक या दो दिन में पूरे कंट्रोल्स आपके हाथ में जम जाएंगे, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। और वही अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल से आईपैड में अगर शिफ्ट होते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा अपने हाथ सेट करने में, अपने कंट्रोल्स को सेट करने में, क्योंकि गाइस मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, एक महीना मुझे लग गया था जब मैं एंड्रॉयड से अपने आईपैड में मैंने बीजीएमआई को शिफ्ट किया था, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आई थी गाइस मुझे कंट्रोल्स वगैरह सेट करने में, हाथ वगैरह सेट करने में, तो
वही अगर हम इस आईफोन की बात करें, ज़्यादा मुझे समय नहीं लगा था, मुश्किल से 1 या 2 दिन में मैं पूरे सारे कंट्रोल सेट कर चुका था। आईपैड जो है उसकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है, तो आपको सिंपली कुछ अलग तरीके से कंट्रोल पूरे आपके हिसाब से सेट करने होते हैं। और एंड्रॉयड मोबाइल से अगर आप नॉर्मली 5 या 6 इंच की स्क्रीन वाले मोबाइल से अगर आप इतने बड़े 11 इंच के आईपैड पर जाएंगे तो सिंपली आपको डिफ़िकल्टीज तो होने ही वाली है और काफ़ी ज़्यादा समय भी लगने वाला है आपको पूरे कंट्रोल्स वगैरह सेट करने में। वही गाइस हम ई स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि गाइस अगर आप अपने BGMI को या अपने पबजी को गेम को आगे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी इंटरनेशनल मैच जो ई स्पोर्ट्स के होते हैं BGMI के, इनके अगर आप वो खेलना चाहते हैं तो सिंपली आपको उसके लिए एक मोबाइल डिवाइस, यानी कि एक आपको जो BGMI है वो सिर्फ मोबाइल डिवाइस में ही खेलना होगा। आप आईपैड में नहीं खेल सकते हैं कोई भी इंटरनेशनल या ई स्पोर्ट्स मैच, वो आपको गाइस आईफोन में ही खेलना पड़ेगा। गाइस वहाँ आईपैड के प्लेयर्स अलाउ नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल डिवाइस में ही BGMI को प्ले करना होता है, वो इंटरनेशनल कोई भी अगर आपका मैच होता है। गाइस अगर इन फ्यूचर आप BGMI में आगे जाते हैं तो आपको सिंपली आईफोन में ही अपना BGMI गेम प्ले करना पड़ेगा। गाइस मोस्टली जो टॉप प्लेयर्स हैं इंडिया के वो सिर्फ BGMI आईफोन में ही खेलते हैं या किसी अदर एंड्रॉयड डिवाइस में खेलते हैं, वो कोई भी आईपैड में BGMI नहीं खेलता है, क्योंकि आईपैड वगैरह में आईपैड और PC में टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं गाइस, क्योंकि आपको अगर टूर्नामेंट्स में ज्वाइन होना है T1 T3 वगैरह स्क्रीम्स करनी हो आईफोन में ही खेल सकते हैं, आईपैड में वो अलाउड नहीं है गाइस। गाइस अगर हम प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो जिस प्राइस में आप एक नॉर्मल आईपैड लेंगे या सबसे कम रेंज वाला आईपैड लेंगे उसी प्राइस में एक अच्छा आईफोन डिवाइस आपके पास BGMI के लिए आ सकता है। जैसे हम आईफोन 11 की बात कर लें, जो कि मेरे पास अभी आईफोन 11 प्रो है, अगर आप आईफोन 11 में भी गाइस प्ले करना चाहते हैं BGMI तो बहुत ही शानदार बिना किसी लेग के आप उसमें खेल सकते हैं BGMI, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आपके अदर काम भी कर सकते हैं जैसे कॉल्स हो गया, SMS, वीडियो कॉल वगैरह, कुछ भी जो भी आपके नॉर्मली यूज़ के लिए भी वो फ़ोन आपके काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप वही एक आईपैड लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप उसमें BGMI ही खेल पाएंगे, क्योंकि अगर सेलुलर अगर आप ले भी लेते हैं जो कि बहुत ही महंगा पड़ेगा आपको, वाईफाई के मुकाबले करीबन 10,000 रुपये का फ़र्क आएगा, तो केवल आप वो उस आईपैड में BGMI या कुछ और अदर गेम्स ही खेल पाएंगे, आप उसको नॉर्मल डे लाइफ में यूज जैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा उसमें। तो इसीलिए आपको आईफोन ही आपके लिए बेस्ट रहेगा गाइस। बैटरी चार्जिंग वगैरह का तो इसमें कोई खास इशू है नहीं आईपैड में, और वही अब आईफोन में भी इतना इशू नहीं है। जैसे कि आप आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करें तो गाइस उसकी बैटरी जो है वो आपके आईपैड से भी अच्छी चलती है। अगर आप बैटरी इशू अगर मान रहे हैं आईफोन्स में ड्रेन होती है जल्दी, आईपैड में नहीं होती, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली अब कोई सा भी आईफोन अगर लेते हैं तो उसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है गाइस पहले जितनी हुआ करता है। अब तो आपने आईफोन जो है वो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं अच्छी 20 वोल्ट तक, आप आईफोन ले सकते हैं गाइस BGMI के लिए, पहले जैसा कोई टेंशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने जो मेजर पॉइंट्स थे आईफोन को लेकर वो सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई अदर पॉइंट आईफोन का अच्छा लगता है या आईपैड का अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं गाइस। और गाइस इसी तरह आईफोन की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे 5,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं गाइस, तो जल्दी से वो लाल बटन को दबा दीजिए। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज में रहें।